कैसे हो आप? तो आप जैसा कि अभी आप देख सकते हो, अभी जो मैं खड़ा हुआ हूँ हुंडई वेन्यू के सामने खड़ा हुआ हूँ। तो आज हम हुंडई वेन्यू को हम रिव्यू करने वाले हैं। तो जो ये गाड़ी है ये हमारे भाई गौरव सिंगला जी की है। जो इन्होंने गाड़ी जो अभी ली है ये इन्होंने अभी ली है, हमने लॉकडाउन से 2 या 3 दिन पहले बुक की थी। हाँ लॉकडाउन होने से 2 या 3 दिन पहले बुक की थी। तो इन्होंने हालांकि नवरात्रों में गाड़ी जैसे तैसे बहुत मेहनत करने के बाद ले ली है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है। तो चलो एक बार इसका रिव्यू करते हैं गाड़ी कैसे। फ्रंट की बात करता हूँ तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। अगर मैं पास में जाकर बात करूँ तो इसमें क्रोम इंसर्ट ग्रिल में, हेडलाइट की बात करूँ हेडलाइट में एलईडी प्रोजेक्टर, यहाँ पे डीआरएल। अगर नीचे बात करूँ तो यहाँ फॉग लैंप भी जो है वो भी एलईडी है। तो ओवरऑल ऐसी लुक निकल के आती है वेन्यू की। जो सामने सामने जो खड़ी हुई है वेन्यू का 1.0 टर्बो लीटर इंजन है। तो जैसा कि देख सकते हो अभी इसकी जो लुक निकल के आती है डीआरएल से बहुत प्यारी लुक निकल के आती है। तो ये अभी BS4 मॉडल है। तो साइड से कुछ ऐसी लुक निकल के आती है। अपने सब 4 मीटर रेंज की ये हाईएस्ट सेलिंग कार है अभी। तो अभी तो इसका BS6 मॉडल है, इसकी लेंथ है 3.99 मीटर और जो इसकी विड्थ है वो है इसकी 1.7 मीटर और जो इसकी हाइट है वो है अराउंड 1.6 मीटर। अगर मैं यहाँ पे इसके टायर साइज़ की बात करता हूँ तो इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील दिए जाते हैं और जो इसका टायर साइज़ है वो है R16 16 इंच टायर दिए जाते हैं इसमें। और यहाँ से साइड से कुछ ऐसे लुक निकल के आती है। और मैं यहाँ पे OVRMs की बात करूँ तो इसमें जो टर्न इंडिकेटर है वो इसमें OVRM में इंसर्ट है और पीछे से कुछ ऐसी लुक निकल के आती है इसकी। अगर मैं इसकी टेल लैम्प की बात करूँ तो इसके LED टेल लैम्प्स हैं। यहाँ पे हुंडई की वेजिंग, सेंटर में वेन्यू, साइड में SX की बैजिंग और जैसा कि मैंने आपको बताया जो 1.0 टर्बो लीटर इंजन है यहाँ पे टर्बो की बैजिंग। पीछे से ऐसी लुक निकल के आती है। नीचे यहाँ पे बैक गियर की लाइट, यहाँ पे बम्पर स्किड प्लेट जो ऑलरेडी पीछे कमरे फिटेड है, यहाँ पे बम्पर में इंसर्ट है। बहुत प्यारी लुक निकल के आ रही है इससे इसकी यहाँ पे। और इसमें आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना है और ऊपर रूफ रेल्स भी बहुत अच्छी लुक निकल के आती है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया जो इसके टायर साइज़, अगर आप इसका इससे बेस मॉडल लेते हैं उससे अपर वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें 15 इंच के टायर आते हैं और जैसा कि इसमें है जो इसका टायर साइज़ है वो है 16 इंच। इसका बूट स्पेस, अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करता हूँ जो इसका बूट स्पेस है वो है 350 लीटर का, जिसमें आप आराम से बहुत कई 3 बैग आराम से कैरी कर सकते हो। ये बहुत स्पेस है पीछे। ये यहाँ पे इसमें पीछे बूट स्पेस लैंप भी दिया हुआ है पीछे बूट स्पेस के लिए, जिससे आप आराम से कुछ भी सामान निकाल सके अंधेरे में भी। और अगर मैं इसके स्पेयर व्हील की बात करता हूँ तो ये पीछे इसके स्पेयर व्हील है। अगर जो इसमें अभी जो टायर दिए हुए हैं वो 16 इंचेस के हैं बट जो इसका स्पेयर व्हील है वो 15 इंचेस का स्पेयर व्हील है। जैसे कि आप देख सकते हो 195/65R15 स्टील है। और ये इसके कुछ को ड्राइवर साइड से कुछ ऐसे लुक निकल के आती है। इसके साइड में हैंडल में क्रोम इंसर्ट है, ये हमने एज एसेसरी फिट कराया हुआ है शोरूम से ही। और ऊपर ये रूफ रेल्स। और अगर मैं यहाँ पे जो ये OVRM से अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये लॉक अनलॉक के साथ ऑटोमेटिक फोल्डेबल OVRM से। तो ओवरऑल जो इसका बाहर से एक्सटीरियर की लुक निकल के आती है वो ऐसी लुक निकल के आती है। बहुत ही प्यारी गाड़ी है। और जो सबसे अच्छी इसमें लगती है जो उसकी डेलाइट जो DRLs है वो बहुत प्यारे DRL हैं। तो चलो एक बार फिर इसके अंदर से इंटीरियर चेक करते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करता हूँ तो इंटीरियर इसका बहुत प्यारा है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 7 इंची इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। ये इसके कुछ स्टीयरिंग पे कुछ कंट्रोल जिस पे इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल हो गए, कॉल पिक करने कंट्रोल हो गए, उसके वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन हो गया और यहाँ पे इसमें क्रूज कंट्रोल भी है। और मैं जैसे कि इसकी अगर MID क्लस्टर की बात करता हूँ तो ये MID क्लस्टर में इसमें जो स्पीडोमीटर हो गया और RPM मीटर हो गया, यहाँ पे कुछ एक उसके लिए भी है जैसे फ्यूल का मीटर हो गया, फ्यूल गेज हो गया। और मैं अगर इसकी MID की बात करता हूँ तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे इसमें ट्रिप एक, ट्रिप वन, ट्रिप टू और फ्यूल टू एम्प्टी, टोटल माइलेज। जैसे माइलेज अभी जो शो कर रहा है वो माइलेज शो कर रही है 11.1,
तो अभी गाड़ी बहुत तेज़ खड़ी हुई है तो इसलिए इतनी माइलेज शो कर रही है। बाकी अगर माइलेज की बात करता हूँ तो माइलेज अप्रोक्स सिटी में 13 या 14 के आराम से दे देती है। तो यहाँ पे कुछ एसी कंट्रोल है, इसमें एसी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पे नीचे यूएसबी का ऑप्शन दिया हुआ है, साइड में एक चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे 12 वोल्ट का आप इसको एज लाइटर यूज कर सकते हो या फिर कैसे भी यूज करते कर सकते हो इसको आप। तो यहाँ पे ये एसी वेंट हो गए। यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा स्पेस दिया हुआ है कुछ फ़ोन या पर्स कुछ वॉलेट रखने के लिए। यहाँ पे एक कूल ग्लोव बॉक्स है, उसमें स्पेस बहुत सही है। इसमें आप कुछ भी कोई पेपर वगैरह या कुछ ज़रूरी सामान कुछ रख सकते हो अपना। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे एक ना इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी है। और ये इसकी गियर नॉब, जैसा कि आपको पता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। तो यहाँ पे पीछे इसमें यहाँ पे इसमें आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है जिसमें एक थोड़ा स्पेस भी है जिसमें आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं। और अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की बात करता हूँ तो इस पर कुछ कंट्रोल दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो OVRM कंट्रोल के मिरर दिए हुए हैं इसमें। और विंडो के चारों जो विंडो हमारी उसके बट ऑप्शन बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए है। और एक जो सबसे प्यारी चीज़ है इसमें वो है इसकी ये सनरूफ। जिसकी वजह से इसका मज़ा 2 गुना हो जाता है इस गाड़ी का। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी लुक निकल के आती है इसकी। और सनरूफ तो किसी गाड़ी में होना एक अलग ही बात होती है। इसमें हुंडई ने सनरूफ दी हुई है इसमें इस SX ऑप्शन मॉडल में। गाड़ी में अगर मैं स्पेस की बात करता हूँ तो अभी जैसे मेरी हाइट आपको पता है, मेरी हाइट जो है वो 5 फिट 8 इंचज़ है। तो अभी मैंने अपने हिसाब से गाड़ी की जो ड्राइविंग सीट है उसको एडजस्ट किया हुआ है। तो आगे बिल्कुल पहले एकदम कंफर्टेबल पूरे 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 तो एकदम एक बार चलो एक बार अंदर से इसका स्पेस चेक करते हैं पीछे से। और अगर मैं आप ड्राइवर साइड विंडो की बात करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको एक 1 लीटर बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ हमें डॉक्यूमेंट रख सकते हो आप। अगर मैं पीछे स्पेस की बात करता हूँ तो पीछे स्पेस बहुत है इसमें। बट हाँ, इसमें जो छोटी सी मेरे को कमी लगी है वो इसमें लगी है कि पीछे, जैसा जो भाई इस गाड़ी को यूज भी कर रहा है उसने बताया कि इसमें बस जो पीछे जो सीट है ना इस पर बस पीछे 2 बंदे आराम से कम्फर्ट होकर बैठ पाते हैं। अगर हम 3 बंदे इसमें बैठ जाते हैं तो मतलब वो कम्फर्ट फील नहीं होता जैसा SUV में होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये लगा इसमें। और मैं पीछे की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट भी मिलता है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है। ये आपके पीछे का डोर हैंडल, यहाँ पे आपको ये विंडो कंट्रोल, और नीचे एक स्पीकर के लिए जगह दी हुई है। यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी स्पीकर, 1 लीटर बॉटल होल्डर, और एकदम बहुत प्यारी लुक है गाड़ी की। बहुत अच्छी गाड़ी है अपने सेगमेंट में, जैसा कि आपको पता भी होगा बेस्ट सेलिंग कार रही है अभी तक। इसका 1.0 लीटर टर्बो इंजन है जो 118 BHP पावर के साथ 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें हुंडई वेन्यू में टोटल तीन इंजन ऑप्शन आते हैं, जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, और जो पहले डीजल इंजन आता था वो आता था पहले 1.4 लीटर, बट जब से BS6 में लॉन्च हुआ है तब से वो 1.5 लीटर इंजन आता है अभी। तो अभी जो ये गाड़ी 1.0 टर्बो लीटर इंजन है। एक बार इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और थोड़ा शेयर करते हैं। एक बार इसका हो जाए स्टार्ट, गाड़ी चलने में बहुत प्यारी है। अगर विजुअलिटी की बात करो, विजुअलिटी देख जैसा कि आप देख सकते हो विजुअलिटी पूरी है एकदम, आगे से हो या साइड से। तो अगर मैं हल्का सा इसको एक्सलेट करता हूँ तो बहुत पावर जनरेट होती है, एकदम जूम भागती है गाड़ी करके एकदम। तो चलने में बहुत स्मूथ है एकदम। गियर भी, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करता हूँ सेफ्टी फीचर्स में, तो इसमें 6 एयरबैग दिए हुए हैं। और जैसा कि अभी तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया है ABS EBD बिल्कुल बेस मॉडल में मिलते हैं अभी आपको। बाकी जो इसका बेस मॉडल है उससे ऊपर हम ई या एस मॉडल लेते हैं उसमें 2 एयरबैग मिलते हैं जनरली हमें। बट ये SX ऑप्शनल मॉडल है तो इसमें हमें 6 एयरबैग। वेन्यू का एक वॉक अराउंड या रिव्यू
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।